फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार, स्वागत है आपको जीएस पॉइंट पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम। चलिए, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें गलत मैं बता दिया था कि विश्व मानचित्र पर भारत पर दर्शन, भारत को दर्शाने वाला विद्वान। तो आज सही कर देता हूँ मैं, विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाला जो विद्वान था वह टॉलमी था, न कि प्लूटो था। तो इसको आप सुधार लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सौर मंडल। सौर मंडल ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है और ये लगभग सभी एग्जामों में, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या आर्मी ग्रेड के जितने भी एग्जाम हैं, इन सभी एग्जामों में इसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं लगभग इस पर 3 क्लास बनाऊंगा और 3 क्लास बनाने के बाद इससे जितने भी सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं सौर मंडल। सौर मंडल को अगर परिभाषा में देखें तो कहा जाता है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के परिवार अथवा समूह को सौर मंडल कहा जाता है। फिर से समझिएगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के परिवार अथवा समूह को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल का जो प्रधान या जन्मदाता है वह सूर्य को माना जाता है। सौर मंडल का प्रधान या जन्मदाता सूर्य को माना जाता है और सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत वह सूर्य है और सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है वह नाभिकीय संलयन के तहत निकलता है। नाभिकीय संलयन के तहत सूर्य से ऊर्जा निकलता है। सूर्य की जो आयु निर्धारित की गई है वह लगभग 5 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष निर्धारित किया गया है। अर्थात इसे अगर एक्यूरेट में देखें तो 4.57 अरब वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके बाद सूर्य को गैसों का गोला कहा जाता है। सूर्य को गैसों का गोला कहा जाता है क्योंकि इनमें सबसे अधिक हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैस की मात्रा 2.5% पाई जाती है। यानी सूर्य में हाइड्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, उसके बाद हीलियम की मात्रा पाई जाती है, उसके बाद अन्य गैसों की मात्रा पाई जाती है। हाइड्रोजन का खोज किया था कैवेंडिश ने। तथा हीलियम का खोज किया था लोकेयर ने। ये भी याद रखना जरूरी है, एक विज्ञान के जो प्रमुख तत्व हैं इनको भी याद रखना जरूरी है। इसके बाद सूर्य को पीला तारा भी कहा जाता है। फिर हम देखें कि सूर्य पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। जबकि आकार में सूर्य पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है। फिर से देखिए, सूर्य पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है जबकि आकार में यह 13,00,000 गुना बड़ा है। सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पहले। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो टाइम लेता है वह 8 मिनट 18 या 20 सेकेंड
लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 या 20 सेकेंड लगता है, लेकिन अगर एक्यूरेट की बात करें तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड का टाइम लेता है, ठीक ना। ये आपको कभी कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में 8 मिनट 18 सेकेंड तो होते ही है, लेकिन अगर 18 ना हो तो 20 आप ट्रिक कीजिएगा, क्योंकि ये कभी दे देता है। इसके बाद सूर्य के आंतरिक सतह का जो टेम्परेचर है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि बाहरी सतह का जो टेम्परेचर है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के आंतरिक सतह का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और बाहरी सतह का जो टेम्परेचर है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की तीन दूरियां हैं। पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वह 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी, पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तो ये पृथ्वी से सूर्य की तीन दूरियां हैं, अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी और औसत दूरी। इसे और एक तरीके से समझा जा सकता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, तीनों दूरियां, पृथ्वी से सूर्य की तीनों दूरियों को और एक डायग्राम से समझा जा सकता है। ये हमारा सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है। हमें मालूम है कि हमेशा ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ में करते हैं, हमेशा ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ में करते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वह आपको 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक। और पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी की स्थिति को कहा जाता है अपसौर, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर या अपहेलियन, अपहेलियन। और यह स्थिति हमेशा 4 जुलाई को उत्पन्न होती है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अपसौर उपसौर हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, है ना। तो ये अपसौर यानी ऊपर, ऊपर की तरफ, तो अपसौर जो सबसे अधिक दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर, इसे अपसौर कहा जाता है, अपहेलियन कहा जाता है। और यह स्थिति उत्पन्न होती है हमेशा 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़, और यह स्थिति पृथ्वी और सूर्य के न्यूनतम दूरी जो 14.70 करोड़ होता है, इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर, उपसौर यानी पेरिहेलियन, इसे पेरिहेलियन कहा जाता है। और यह स्थिति हमेशा उत्पन्न होता है 3 जनवरी को, याद रखेंगे, यह 3 जनवरी को उत्पन्न होता है। और यह है आपका औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो ये हमारा पृथ्वी से सूर्य की तीन दूरियां हैं, ठीक ना। ये हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैटर है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं इसकी दूरी यानी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे। सूर्य एवं पृथ्वी, ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है खगोलकीय दूरी, क्या कहा जाता है, खगोलकीय दूरी कहा जाता है, है ना। खगोलकीय दूरी, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी जो मापी जाती है, जो बीच स्थित, उसे खगोलकीय दूरी कही जाती है। और इसे मापा जाता है पारसेक इकाई से,
पारसेक इकाई से मापा जाता है, यानी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में स्थित जो खगोलकीय दूरी है उसे मापा जाता है पारसेक इकाई से। और एक पारसेक इकाई बराबर, एक पारसेक इकाई बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष होता है। अगर इसका और एक मापन है, अगर माइल्स में मापें तो एक पारसेक इकाई बराबर होता है 1.918 गुने 10^13 माइल्स, ठीक ना। ये आपका पारसेक इकाई है, ठीक ना, माइल्स में। आप देखिए, सूर्य से दो अदृश्य किरणें निकलती हैं, सूर्य से दो अदृश्य किरणें निकलती हैं। पहला है पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण को अल्ट्रावायलेट भी कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट भी कहा जाता है। और इसका खोज किया था कार्ल रिटर ने, ध्यान देंगे, इसका खोज किया था कार्ल रिटर ने। और दूसरा, दूसरा जो अदृश्य किरण है वह है अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, है ना। और अवरक्त किरण को इन्फ्रारेड कहा जाता है, इन्फ्रारेड कहा जाता है। और याद रखेंगे, इन इन्फ्रारेड का खोज किया था विलियम हर्सेल ने, विलियम हर्सेल ने इसे खोज किया था। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। और देखिएगा, और एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एवं नासा ने सूर्य के अध्ययन हेतु एक संयुक्त अभियान का स्थापना किया है जिसका नाम है यूलिसिस, यूलिसिस। यह यूलिसिस जो अभियान है यह सूर्य के अध्ययन के हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एवं नासा द्वारा गठित या स्थापित अभियान है जिसका नाम है यूलिसिस। तो ये आपका सौर मंडल के अधीन ये विशेषकर सूर्य के बारे में मैं आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव भी दें। कल मैंने पहला वीडियो अपलोड किया और जो मैंने वीडियो अपलोड किया था मुझे, जो आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया, प्यार किया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। क्योंकि आपने जो कल रिकॉर्ड आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और भी मतलब आप लोगों ने देखा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।